बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको लेकर आए हैं बरकी रोड का विज़िट कराने। बरकी बेसिकली लाहौर के वज़ाफ़ात में पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर कायम है, पुराना कस्बा है या गांव आप कह लें। इसकी वजह शोहरत में मेन जो चीज़ काबिल ज़िक्र है वो यहाँ पर मलक मेराज कादरी साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उनकी वजह से ये मशहूर है जगह। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी फ्लाई काम भी किए इस कस्बे में या गांव में आप कह लें, कॉलेज बनाया और दीगर उनके फ्लाई कामों की तफसील होगी। ये सड़क जो है प्रॉपर्टी मैप पे तब आई जब इसको दोरोया किया गया, डबलाइजेशन इसकी की गई और फिर समवेयर अराउंड अबाउट 2004 में इसके ऊपर एक स्कीम उभरी जिसका नाम था ग्रीन सिटी। ग्रीन सिटी के बाद में पैरागॉन के नाम से और इम्पीरियल गार्डन के नाम से दो स्कीमें मज़ीद बनी। वो ग्रीन सिटी से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट साबित हुए और वो मशहूर भी ज़्यादा हो। अब यहाँ पे जो सूरत हाल इसकी नज़र आती है बरकी रोड की, ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है क्योंकि यहाँ जिस पॉइंट पे हम आ रहे हैं ग्रीन सिटी के पास, इसके आमने सामने पीछे एक DHA का फेस भी कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस रोड पे इतने अंदर आके ज़्यादा जो कमर्शियल एक्टिविटी या दुकानें नज़र आपको आएंगी एज़ कम्पेयर टू द बिगनिंग ऑफ बरकी रोड। जो जो हम आगे को बढ़ रहे हैं बरकी रोड में, तो जो है उसके अंदर दुकानों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अब हम जा रहे हैं जनाब ग्रीन सिटी में। ग्रीन सिटी बेसिकली पैरागॉन और इम्पीरियल गार्डन से ज़्यादा पहले की बनी हुई है। लेकिन क्योंकि साइज़ और वॉल्यूम में पैरागॉन और इम्पीरियल गार्डन ज़्यादा बड़े थे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला ग्रुप था, तो वो ज़्यादा ग्रो कर गई है ग्रीन सिटी की नस्बत। ग्रो कर गई है या आबाद पहले हो गई ज़्यादा, या उसका वो क्या कहते हैं उसकी पब्लिसिटी या वर्ड ऑफ माउथ ज़्यादा फैल गया। ये स्कीम पुरानी होने के बावजूद उस तरह से उसके मुकाबले में नहीं चली, लेकिन अपनी जगह में अपने साइज़ के लिहाज से अपनी कैटेगरी में ये बेस्ट स्कीमों में से एक है। ये सामने शुरू में ही इसका ये कम्युनिटी सेंटर कम पार्क है और राइट साइड पे ये प्रॉपर पार्क है, मेन पार्क जिसका उन्होंने नाम दिया हुआ है, और साथ ही उसके जामा मस्जिद में स्कीम की बात है। हम इसके मेन बुलेवार्ड पर भी फिर रहे हैं, आपको वाजह फ़र्क नज़र आ रहा होगा। अपने आप में स्कीम बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, बेहतरीन है। ग्रीन है नाम भी, जिस तरह उसका ग्रीन सिटी है, ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपैरिजन में जाएंगे तो इम्पीरियल गार्डन या जो है पैरागॉन, उनका आपस में कोई मैच नहीं है। ये नस्बता छोटी स्कीम है, उस ये इसका पार्क आ गया, पहले मेन पार्क था इसके बाद एक और पार्क आया। हम आपको ये स्कीम क्योंकि बहुत बड़ी नहीं है, कोशिश करूंगा कि मैं सारी ही आपको घुमा दूं। अपने आप में भी बहुत अच्छी है स्कीम, मतलब अगर इसको इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इसको बहुत सारी जो आपने अभी तक पहली स्कीमें देखी हैं उनसे भी कंपैरिजन करें तो ना सिर्फ ये कि वैल्यू फॉर मनी है बल्कि खूबसूरत भी बहुत है और एक अच्छा डिसेंट एड्रेस है। GT रोड की स्कीमों से भी अगर आप मुवाजना करें, उस GT रोड की स्कीमें जो बड़ी से बड़ी भी हैं उनकी नस्बत भी इस स्कीम की ना सिर्फ वैल्यू ज़्यादा है, खूबसूरती ज़्यादा है, बल्कि अब जिस तरह DHA की बाउंड्रीज जो हैं वो एक्सपेंड करती जा रही हैं, डेफिनेटली ये सड़क के उस पार भी DHA के कोई ना कोई सेक्टर आ जाए आने वाला है या आ गया होगा, इसकी वजह से इसकी वैल्यू में भी इजाफा हो जाएगा। अब ये तीसरा पार्क आ गया है स्कीम का, और इसके अलावा देखेंगे कितनी घनी छाँव वाली गलियाँ हैं, दरख्त कितने प्यारे लगे हुए हैं। द बेस्ट थिंग आई ऑलवेज लाइक्ड अबाउट दिस स्कीम कि इसके अंदर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पार्क भी ठीक हैं, अगर बहुत बड़े नहीं है तो बहुत छोटे भी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको जिस तरह मैं अर्ज़ करता होता हूँ कि डेवलपर्स तो
कोशिश करते हैं कि पार्क देना ही ना पड़े, किसी ना किसी तरह जान छूटे इन चीज़ों से। मगर जो डेवलपर्स इस तरह करते हैं उनको सलाम भी है, और डेफिनेटली ना सिर्फ उनकी नेकनामी में इजाफा होता है, उनकी जो स्कीमें हैं उनकी वर्थ में इजाफा होता है, ब्रांड वर्थ में, बल्कि ओवरऑल रहने वालों के लिए बड़ा सूथिंग एक्सपीरियंस होता है। मतलब सिर्फ आपने लोगों को ज़मीन के टुकड़े नहीं बेचने होते, आपने माहौल भी मुहैया करना होता है जहाँ पर वो रहें और अपनी ज़िंदगियाँ अच्छे अंदाज से गुजार सकें। ये स्कीम दूसरी बाउंड्री आ गई जहाँ पे बहुत सारे घर अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, बहुत से बने हुए हैं, सेल पे भी लगे हुए हैं बहुत से घर यहाँ पे। सफाई का भी निज़ाम अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे, अभी तक साफ सुथरी स्कीम है सारी। अब ये गलियों में से घूमते घुमाते हम वापस मेन बुलेवार्ड की जानेब आ गए, क्योंकि स्कीम बहुत बड़ी नहीं है मगर डेफिनेटली इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। सफाई सुथराई, खूबसूरती, ग्रीनरी, सारी पैरामीटर्स की वजह से आई हैव ऑलवेज लाइक दिस स्कीम। बहुत अच्छा लगता है हमेशा इधर आना, ऐसे विजिट करना। मेन बुलेवार्ड की तरफ नहीं आए हम, दोबारा वापस आ गए इसकी नॉर्थर्न बाउंड्री की तरफ। अब यहाँ से हम वापस जाते हैं टुवर्ड्स साउथ और एग्जिट गेट। वीडियो आप लोग देखते हैं, आप लोग की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अपने इनपुट भी दिया करें, कमेंट्स में बताया करें कि क्या चीज़ रह गई है वीडियो कवर करते वक्त। बहुत ज़्यादा जो क्यूरीज आती हैं वीडियोज़ पे वो रेट्स की आती हैं। मैं आपको एक चीज़ दोबारा से वादा करता चलूँ कि आई एम नॉट अ प्रॉपर्टी डीलर, ना ही ज़मीन के रेट बताना या सेल परचेज करना इस चैनल का अभी तक ऐसा मकसद कोई नहीं है। मैं आप लोगों की तरह आम सिटीज़न हूँ जो स्कीम विजिट करके इस नज़र से देख रहा होता है कि मैं इधर घर ले सकता हूँ या प्लाट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। कीमत वाला एलिमेंट जो है वो आई डोंट डील इन दिस। वो जब चैनल इंशाल्लाह ताला आप लोगों की सपोर्ट जारी रही अल्लाह की रहमत से, तो एक पॉइंट इन टाइम पे हम डेफिनेटली इसमें आपसे शेयर कर लिया करेंगे जो रेलिवेंट प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर, वो आपको बता दिया करेंगे कि रेट क्या है पर्टिकुलर किसी स्कीम में। तो ये थी जनाब ग्रीन सिटी पे हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं या चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और हमारे इनिशियल टारगेट को, सब्सक्राइबर के टारगेट को 1000 को रीच करने में हमारी मदद करें। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ मंथ और सो हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो 130 को टच कर चुके हैं। आप लोगों की मोहब्बत और सपोर्ट के साथ ये मुमकिन है इंशाल्लाह ताला कि हम 1000 सब्सक्राइबर का भी मार्क अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।